मॉर्निंग एवरीवन, यहाँ पर मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ। मेरा बहुत दिन से ना ये वाला कलर पहनने का मन था और लहरिया साड़ी ना मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी, फाइनली मुझे मिल गई, कल ही आई है और आज मैंने जो है इसे पहन लिया है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मतलब मेरे साथ तो स्पेशली होता है कि अगर मैंने कुछ ऑर्डर किया है तो मुझे बस लगता है मैं कब पहनूं उसे। और इसका जो ब्लाउज है ना, वो यहाँ पर जो साड़ी है ना, इसका जो ब्लाउज है वो मैंने पहन लिया, एग्जैक्टली मैच कर रहा है, क्योंकि इसके साथ जो ब्लाउज आया ना वो बेहद ख़राब है, जिसे आप सिलवा ही नहीं सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरीके से जो टीम अप कर लिया, लेकिन अगर इसके साथ जो है कंट्रास्ट में अगर आप मस्टर्ड कलर का ब्लाउज पहनेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये जो चीज है ना, सही लग रही है साड़ी तुम्हें? ये अच्छी लग रही है इसके। हाँ, बहुत रेड एंड ब्लू ऑलवेज गो टुगेदर। हम जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, तो वहाँ पर क्या है कि मैं ज़्यादा मेकअप शेकअप नहीं करने वाली हूँ और मुझे बहुत ही सिंपल सा जो है वो मेकअप करना है और सिंपल से जो है मुझे तैयार होना है। तो यहाँ पर जो है मैंने सिर्फ जो है स्टर्ड पहने हुए हैं और बिंदी लगाई है। बिंदी मेरी जान, मतलब बिंदी के बिना तो मुझे बहुत ही अधूरा लगता है। मैं वेस्टर्न में भी बिंदी लगा लेती हूँ, मेरा इतनी जो मोहब्बत है बिंदी से। और क्योंकि डे टाइम है और बहुत ही ज़्यादा धूप होगी, तो यहाँ पर मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ। ये है लाश हील्ड की सनस्क्रीन, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और अभी जो है रिसेंटली मैंने एक और सनस्क्रीन मंगवाई है, उसका रिव्यू मैं सोच रही हूँ आपके साथ शेयर करने का। मैं पहले उसे ट्राई करूँगी और उसके बाद अगर मुझे अच्छी लगी तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आपको डेली में जो है सनस्क्रीन लगाना चाहिए, तो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी क्योंकि लगाने के बाद ही समझ में आएगा ना कि वो कैसी है। आज मैंने अपनी कुक और मेड को जल्दी बुला लिया है क्योंकि हम लोग को निकलना है, तो घर थोड़ा क्लीन रहे और खाना टाइम पे बन जाए, उससे बेटर क्या होता है। क्योंकि हम वहाँ पर ही जाके खाना खाएंगे, तो मैंने यहीं जो है कुक से अपने बनवा लिया है और हम लोगों ने वहाँ जाकर जो है खाना खाया था। मतलब एक छोटी सी पिकनिक जैसी हो जाएगी, उस तरीके से है। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ NYB का आई लाइनर, और ये वाला जो आई लाइनर है ना, ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है। मतलब सूख इन द सेंस कि जब आप लगाते हैं ना तो बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है, तो ये ज़्यादा बेटर है। मेरे पास लैक्मे का भी है, वो जल्दी जो है वो ड्राई नहीं होता है, जिसकी वजह से कभी ना वो ऊपर साइड में लगी जाता है। इसके साथ वैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिर लगाया है मैंने यहाँ पे प्लम का काजल, ये बहुत ही अच्छा काजल है, ये स्मज नहीं होता है। अभी रिसेंटली जो है मैंने ऑर्डर किया है इसे और इसका शायद रिव्यू भी दिया है, हाँ शायद रिव्यू भी दिया है, तो काफ़ी अच्छा है ये, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। स्मज नहीं होता, सबसे बड़ी बात तो ये है। उसके बाद मैं आईब्रोज़ में जो है अपने फिल करूँगी। आपको अपनी आईब्रोज़ को कभी भी मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आईब्रो जो है ना वो भी पूरा एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता है अगर आप अपनी आईब्रो को जो है वो फिल करें, और लगाना भी चाहिए। और यहाँ पे मैं मस्कारा लगा रही हूँ ब्लू हेवन का, ये मुझे PR में रिसीव हुआ था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, मतलब लगाने के बाद आपको ना हैवी सा फील नहीं आता है, तो ये काजल भी जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का लिप लाइनर, और स्विस ब्यूटी का जो लिप लाइनर है ना वो काफ़ी अच्छे से जो है क्रीमी टेक्सचर है इसका, तो लगाने में बहुत ही ज़्यादा इजी होता है। और आपको लिप लाइनर डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए, इससे जो है आपके लिप्स में जो है ना काफ़ी अच्छी शेप आती है, और जब आप लिपस्टिक लगाते ना तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ओह माय गॉड, अब ये आ गई हैं हमारी मेड, अब ये पूरा जो है वो रूम क्लीन करेंगी, क्योंकि जब भी मैं कुछ करती हूँ ना तो इसको बीच में ज़रूर आना ही आना है तो बस अभी यहाँ पे मैं इसको कुछ कह रही हूँ, समझा रही हूँ कि यहाँ कर लो वहाँ कर लो, पता नहीं क्या कह रही हूँ, उस समय कह रही थी, अभी तो याद नहीं है मुझे। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ब्लू हेवन की लिपस्टिक, पिंक शेड है, आई थिंक हॉट पिंक समथिंग ऐसा कुछ नेम है इसका, बट ये काफ़ी फेवरेट शेड है मेरा और मुझ पर जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, तो इसकी वजह से जो है मैंने यहाँ पे पिंक लगाया है, अगर रेड लगाऊंगा तो उतना अच्छा नहीं लगता है। और एनी हाउ पिंक मुझ पर बहुत ही ज़्यादा सूट करता है। यहाँ पर जो है मेरा मेकअप हो चुका है, मेकअप पे क्या, लिपस्टिक, काजल, आईलाइनर, सनस्क्रीन लगाई है, कॉम्पैक्ट भी नहीं लगाई क्योंकि बाहर जाएंगे तो मैं भी पसीना हो, वैसे तो मुझे स्वेटिंग नहीं होती, बट अगर स्वेटिंग हो तो इस वजह से थोड़ा नॉर्मल लगना है यार, मतलब हमेशा पाते तो नहीं रहूँगा, तो बस वह
मैं नॉर्मली स्लिंग बैग यूज़ करती हूँ, लेकिन क्योंकि बाहर जा रहे हैं तो मुझे चार्जर वगैरह चाहिए, उसके लिए मुझे थोड़ा बड़ा बैग चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अपना पर्स डाला है, उसमें लिपस्टिक डाली है, दो चार लिपस्टिक जो नॉर्मली मैं रखती हूँ अपने पास वो डाली है, कॉम और चार्जर डाला है, पिंक लिपस्टिक जो मैंने अभी यूज़ की वो वाली डाली है, रबर बैंड डाला है, कॉम्पैक्ट डाला है, अगर मुझे कहीं स्वेटिंग वगैरह हो तो टचअप करने के लिए थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि बाहर जा रहे हैं हो सकता है स्वेटिंग हो, वैसे बैंगलोर में सर्दी गर्मी नहीं होती है। उस पर क्लिप डाला है, कॉम डाला है और कैश ढूंढ रही हूँ, इसमें नहीं है। तो नॉर्मली जो है मैं यही बैग जो है वो डेली में यूज़ करती हूँ, और ये वाला जो ग्रीन कलर का जो हैंडबैग दिख रहा है ये अभी रिसेंटली मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट किया है, तो बस नया है तो बस मुझे तो लेना ही है। आज 3 साल बाद जो है, 4 साल हो गए साड़ी का, 4 साल बाद इस पॉलिथिन को हम निकाल देते हैं, बहुत याद ही नहीं रहता और लगता था अरे यार वो, अरे ये देखो अब वुड वाला जो है वो निकल रहा है। मतलब 4 साल बाद ये हम लोगों ने निकाला है, फाइनली निकल गई है। और निकलने के बाद ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वुड होता है ना, तो ये शायद पॉलीथिन का ही है वो। हाँ पॉलीथिन का ही है, जो थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा, ये क्लीन कर दें। देख रहे हो हमारी मोहब्बत हमारी कार के लिए, बे इंतहा जिसे कहते हैं, बे इंतहा। क्या सही लग रहा है जगह देवांशु, फोटो खिंचवाओ, क्या मस्त लगेगा। जहाँ हम रहते हैं वहाँ से ये जो जगह है ये काफ़ी दूर है, आई मीन 80 किलोमीटर है, तो 80 किलोमीटर मतलब 2 घंटे आपको लग जाते हैं अप्रॉक्सीमेट। और अभी ये जो नया नया जो है वो ओपन हुआ है तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और रोड अभी अच्छे से बनी नहीं है, पूरी जो है वो कच्ची रोड है, कार जो है थोड़ा चलाने में प्रॉब्लम हो सकती है, और कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं क्योंकि नया है। आदि योगी जो है काफ़ी दूर है तो वहाँ पर लोग कम जा पाते हैं क्योंकि काफ़ी दूर है, बट ये जो है ये बेंगलोर से काफ़ी पास है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ जो है मुझे देखने को मिली। और अगर आप यहाँ से देखें तो पार्किंग के लिए देखें कितनी ज़्यादा जो है वो कार खड़ी हुई है यहाँ पर, तो पार्किंग एरिया भी बहुत ज़्यादा है, और स्टैचू जो है आपको यहाँ से देखने में दूर से दिख रहा है, तो स्टैचू कितना खूबसूरत लग रहा है। पार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा जगह है बट स्टिल थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा आपके डेस्टिनेशन में पहुँचने के लिए, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और हम स्पेशली संडे को गए थे, तो संडे के दिन तो और भी ज़्यादा ही जो है वहाँ पर। पार्किंग में पहुँचते पहुँचते हमें 2 बज गए थे और खाने का टाइम हो ही गया था, लंच का टाइम हो ही गया था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो पहले जो है हम लोग लंच कर लेते हैं, क्योंकि जो हम खाना घर से बना कर लेकर आए थे तो हमने सोचा पहले लंच कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो है हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि बच्चे भी साथ में थे, उन्हें भी खाना जो है वो टाइम पे मिलना चाहिए, और हम एक फैमिली जो है और एक फैमिली थी उनके साथ में आए थे, तो हम लोग यहाँ पर हम लोग जो है वो लंच करें, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि थोड़ी आपकी आउटिंग भी हो जाएगी और घूमने के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह, तो आप डेफिनेटली इस जगह आ सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, आदि योगी जैसा ही है। खाना खा पी कर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ के जो विजिटिंग आर हैं वो है सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक, इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान कर सकते हो। अभी ये पूरा फुल्ली कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, केवल जो है वो स्टैचू जो है वो रेडी हो गए हैं, और स्टैचू के नीचे जो टेम्पल है वो रेडी हो गया है, तो जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आप जो है वो स्टैचू एंड टेम्पल में जो है वो दर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा अभी पूरा कंस्ट्रक्शन जो है वो चल रहा है, और आसपास पूरे पहाड़ हैं, जब ये पूरी तरीके से जब बन जाएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और ये ईशा फाउंडेशन का जो है वो है, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर जब आप इसे साक्षात देखते ना तो आपको ऐसा फील आता है कि जैसे स्टैचू जो है वो बादलों को धकेल कर और आगे की तरफ आ रहा है, तो जब आप इसे फेस टू फेस देखेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इतनी बड़ी जो इतना बड़ा जो स्टैचू है
वो आपको ये फीलिंग देता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी हम जो है ऊपर पहुँच चुके हैं और यहाँ ये जो है ये एरिया जो है ये पूरा बन चुका है और ये इसका बैक साइड है। और आप यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से लग रहा है कि मतलब जैसे बादल है ना वो स्टैचू जो है ना पीछे की तरफ आ रहा है और बादल आगे की तरफ जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पर एक लाइट शो भी होता है जो रोज़ 7 बजे होता है और 15 मिनट का लाइट शो होता है। अगर अभी तक आपने कभी नहीं देखा है तो आप उस लाइट शो के अकॉर्डिंग अपना प्लान कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि पूरा बैंगलोर जो है ना वो यहीं पर आकर बस गया है, इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आप अपना प्लान जो है थोड़ा वीकेंड में ना रख के नॉर्मल डेज़ में रखेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि फिर जो है आपको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और आप अगर बैंगलोर के निवासी हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि यहाँ कितना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। कहाँ चले गए पिताजी? पिताजी आगे होंगे, वो उनको लग रहा है भाई जल्दी जाओ बैठो। सबसे पहला क्वेश्चन उनका यही है कि भाई कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा जाने में। अरे यहाँ देखो मेरे बालों की क्या हालत हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे उजड़ गए। हाँ उजड़ गए हूँ, बट अब जो है सॉफ्ट लगा बस थोड़े से ऊपर की तरफ हो जाए, स्टैटिक्स स्टैटिक्स नहीं होगा। ये है मेरा फाइनल लुक क्योंकि वहाँ तो मैं नहीं दिखा पाई थी, मैंने सोचा कि यहाँ पर जो है अपना आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ कि यहाँ पर जो है मैंने साड़ी पहनी है और हील्स नहीं पहनी है, फ्लैट पहनी, क्योंकि मुझे हील्स में थोड़ा प्रॉब्लम होती है चलने में। और जब आपको मुझे क्या हर किसी को प्रॉब्लम होती है हील्स में चलने के लिए, और क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो चलना पड़ेगा तो इसकी वजह से जो है मैंने फ्लैट्स पहनी है यहाँ पर। अब यहाँ से जो है हम निकल रहे हैं, काफ़ी जल्दी ही निकल गए क्योंकि हमें लाइट शो नहीं देखना था। हमने कोयम्बटूर का जो है लाइट शो देखा था तो यहाँ का लाइट शो नहीं देखना था क्योंकि ये बैंगलोर है और बैंगलोर में इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो हमें किसी तरीके से पंगा नहीं लेना था, तो हम लोग यहाँ से निकल गए। आई होप आज का वीडियो आप सब लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा, और अगर इंजॉय किया होगा तो पता है ना क्या करना है। यस, आपको मेरा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना है। और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पर एक बेल आइकन आएगा, उसे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे जो भी नेक्स्ट वीडियो है वो आप तक पहुँचे सबसे पहले। सेव गर्ल रिस्पेक्ट वुमन, इसी थॉट के साथ मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।